बक्सर के सिकरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया और कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। मामले की जानकारी किसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस पर भी आरोपियों ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस पर हमले की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ डुमराव डीएसपी के सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने पहाड़पुर गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। डुमराव डीएसपी के सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिगना गाँव में दल बल के साथ छापेमारी की। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुख्य आरोपी भागने के बाद जिगना गांव में छुपा है। डुमराव डीएसपी के सिंह ने बताया कि बच्चों के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई और हवाई फायरिंग की गई। आरोपियों के द्वारा पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। हालांकि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों के लिए छापेमारी की जा रही है। दो बच्चों के विवाद की बात आई थी सामने, तो उसमें पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की कर दिया गया। इसी क्रम छापेमारी चल रही है, दो तीन लोग अरेस्ट हो गए, बाकी मुख्य पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। क्या प्रोसेस, जमीनी विवाद था या कुछ? ना, जमीनी विवाद नहीं, आपस में कुछ बच्चों बच्चों के चोरी के लिए विवाद था। दो पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। विशेष रूप से निकल धक्का मुक्की। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, डुमराव।